Hi guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing well, staying safe. And अगर आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे, तो हाय, मेरा नाम रंजना है एंड मैं मेकअप एंड फैशन रिलेटेड वीडियो क्रिएट करती हूँ अपने चैनल पे. तो अगर आप लोग सिमिलर कॉन्टेंट देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बिकॉज मैं हर हफ्ते दो नया वीडियो अपलोड करती हूँ. एंड यस, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोग को न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे. एंड विदाउट वेस्टिंग एनी For the time, let's jump into the video. Alright, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको मेकअप ब्रशेस के बारे में बताऊंगी. बेसिकली बहुत दिन से मेरे चैनल पे हर ट्यूटोरियल पे कमेंट आता था कि मैम आप कौन सा ब्रश यूज करें, आई शेडो लगाने के लिए कौन सा ब्रश यूज करते हैं, फाउंडेशन लगाने के लिए कौन सा ब्रश यूज करते हैं, प्लीज मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कौन सा ब्रश यूज करूं. तो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं एक बिगनर फ्रेंडली मेकअप ब्रश गाइड आप लोग को प्रोवाइड करूंगी. मैं सारे डिटेल्स प्रोवाइड करूंगी, किस किस ब्रांड के ब्रश मैं यूज करती हूँ, कौन कौन से ब्रश यूज करती हूँ एंड मैंने कहाँ से परचेस किया है. तो सबसे पहले बात करते हैं फाउंडेशन ब्रश की. सबसे पहला जो स्टेप होता है मेकअप में वो होता है आपका बेस मेकअप. एंड फाउंडेशन लगाने के लिए बेसिकली मैं दो ब्रश यूज करती हूँ. सबसे पहला ब्रश ये है, ये एक फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है. इस ब्रश के हेल्प से आप बेसिकली अपने फाउंडेशन को अपने स्किन पे अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. पूरा फाउंडेशन इस ब्रश से नहीं लगेगा क्योंकि आपके फेस पे लाइन अपीयर हो सकता है अगर आप इससे स्प्रेड करते अपने फाउंडेशन को. तो बेसिकली मेरा टेक्निक ये होता है कि फाउंडेशन को इस ब्रश से अपने फेस पे स्प्रेड करती हूँ एंड ब्यूटी ब्लेंडर से देन ब्लेंड करती हूँ. तो ये जो ब्रश है बेसिकली आपका फ्लैट फाउंडेशन ब्रश है एंड ये फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए होता है. ये ब्रश मैंने मिनीसो से लिया था. इसी तरह का एक सिमिलर फाउंडेशन ब्रश ये भी है मेरे पास, फ्लैट फाउंडेशन ब्रश. ये मैंने sheen.com से लिया था. ये कोई लोकल ब्रांड है, ये कोई ब्रांडेड नहीं है. इसके अलावा जो एक और फाउंडेशन ब्रश मेरे पास है, ये मेरा सबसे पहला फाउंडेशन ब्रश है जो मैंने बहुत साल पहले लिया था. इससे आप अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हैं. बट बेसिकली मुझे फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करना पसंद है बिकॉज उससे ज़्यादा नेचुरल फिनिश आता है एंड अच्छे से आपके स्किन में फाउंडेशन एब्जॉर्ब हो जाता है. नेक्स्ट स्टेप देन फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं जो ब्रश यूज़ करती हूँ वो एक पाउडर ब्रश है. एंड मैं दो पाउडर ब्रश यूज़ करती हूँ. सबसे पहला पाउडर ब्रश ये है, एक बहुत प्रिसाइज पाउडर ब्रश है एंड दिस वन इज बाय पैक एंड इट्स ए नंबर 245. ये बेसिकली मैं पाउडर अपने अंडर आई एरिया पे लगाने के लिए यूज करती हूँ एंड अपने टी जोन पे एंड कोई भी प्रिसाइज एरिया में अगर आपको पाउडर अप्लाई करना है तो आप ये पैक का 245 ब्रश यूज कर सकते हैं. बहुत अच्छे क्वालिटी का ब्रश है, डेंसली पैक्ड ब्रश है, जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही डेंसली पैक्ड ब्रश है. एंड इस पैक ब्रशेस की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. मोस्ट ऑफ मेरे ब्रशेस पैक के हैं या फिर प्रो आर्ट के या सिग्मा के हैं. तो ये फाउंडेशन ब्रश मैं यूज करती हूँ बेसिकली अपने अंडर आई एरिया में पाउडर अप्लाई करने के लिए, अपने अंडर आई एरिया को सेट करने के लिए. इसके अलावा एक और पाउडर ब्रश मैं यूज करती हूँ जो कि एक बिगर पाउडर ब्रश है, फ्लफी पाउडर ब्रश. ये बेसिकली अपने पूरे फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए या आप इसको ब्लश अप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकते हैं. ये ब्रश मैंने मिनीसो से लिया था एंड इस ब्रश का कोई ऐसे पर्टिकुलर नंबर नहीं है एंड ये मेरे को मिनीसो से मिला था एंड बहुत अच्छे क्वालिटी का ब्रश है. मिनीसो का है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा डेंस ब्रश है. बेसिकली आपको पाउडर एप्लीकेशन के लिए ये यूज़ होता है. इसके बाद जो मैं ब्लश लगाने के लिए ब्रश यूज़ करती हूँ वो ये ब्रश है. ये ब्रश मैंने अगेन sheen.com से लिया था एंड बहुत अच्छे क्वालिटी का ब्रश है गाइस. भले शीन से लिया है, चाइनीज प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छे से आपके क्रीम ब्लश को भी ब्लेंड कर देता है एंड आपके पाउडर ब्लश को भी बहुत अच्छे से अप्लाई करता है. बहुत डेंसली पैक्ड है एंड बहुत सुपर सॉफ्ट है तो मुझे ये बहुत पसंद है. एंड देन इसका कलर एंड हैंडल यूनिकॉर्न शेप में है तो मुझे ये बहुत पसंद आता है. मूविंग ऑन टू कॉन्टोर ब्रश. कॉन्टोर के लिए मैं बेसिकली ये दो ब्रश यूज करती हूँ. ये मिनीसो की तरफ से है एंड दिस वन इज फ्रॉम sheen.com.
कॉन्टोर के लिए बेसिकली आपको कुछ इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज करना होता है एंड बहुत ही डेंसली पैक्ड है, सुपर सॉफ्ट है एंड बहुत अच्छे से आप अपने कॉन्टोर को इससे ब्लेंड कर सकते हैं. क्रीम कॉन्टोर को भी इससे ब्लेंड कर सकते हैं, पाउडर कॉन्टोर भी इससे अप्लाई कर सकते हैं, लाइक ब्रॉन्जर भी आप इससे अप्लाई कर सकते हैं. इसके अलावा ये एंगल्ड कॉन्टोर ब्रश है, ये मेरे को मिनीसो के सेट में मिला था. मैंने कुछ ब्रश सेट खरीदा था उसमें ये मुझे कॉन्टोर ब्रश मिला था. तो इससे आप अपने ब्रॉन्जर को बहुत अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं. क्रीम कॉन्टोर आप इससे ब्लेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये बहुत डेंसली पैक्ड नहीं है, थोड़ा फ्लफी है एंड अगेन क्वालिटी बहुत अच्छी है. एंड आई थिंक पूरा सेट मुझे 200 या 300 का मिला था. देन लास्ट ब्रश जो मैं अपने बेस में यूज करती हूँ वो ये पैक का 219 कंसीलर ब्रश है. इसमें बहुत ही डेंसली पैक्ड यू नो ब्रिसल्स हैं, सुपर स्मूथ है. इससे आपका कंसीलर बहुत अच्छे से यू नो ब्लेंड होता है, क्रीज नहीं पड़ता है. एंड रिसेंटली मैंने इस ब्रश को खरीदा था एंड रिसेंटली मैं इसको यूज करने लगी. तो अभी तक मैं कंसीलर लगाने के लिए ब्रश ही यूज कर रही हूँ, मैं ब्यूटी ब्लेंडर नहीं अप्लाई करती हूँ. बेसिकली कंसीलर से आप अपने यू नो डार्क सर्कल्स एंड पिगमेंटेशन एंड रेडनेस को छुपाना चाहते हैं. अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज करते हैं तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट ब्यूटी ब्लेंडर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है एंड यू नो बहुत ज्यादा आपको कवरेज नहीं मिलता है. लेकिन अगर आप इस ब्रश से अप्लाई करते हैं अपना यू नो कंसीलर तो आपको बहुत हाई कवरेज मिलता है एंड आपका जो सेट होता है जो कंसीलर बहुत फ्लॉलेस होता है एंड क्रीज भी नहीं पड़ता है. तो ये कंसीलर ब्रश मैं यूज करती हूँ, पैक का है ये एंड 219 कंसीलर ब्रश. ये ब्रश मैंने नायका से खरीदा था एंड आई थिंक ये 300 या 400 का मुझे पड़ा था. मैं सारे ब्रश के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, सो डोंट वरी अबाउट दैट. Alright, so moving on to the next set of brushes and जो next brush के बारे में बताऊंगी वो basically eye shadow brushes होंगे. Eye shadow brushes में मैं ये सारे brushes use करती हूँ, basically इतने सारे eye shadow brushes हैं. तो चलिए मैं आपको एक एक करके eye shadow brushes के बारे में बताती हूँ. तो सबसे पहले हम ब्लेंडिंग ब्रशेस की बात करते हैं, बिकॉज जब आप आई शेडो यू नो अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप अपना ट्रांजिशन शेड अप्लाई करते हैं. एंड सो ब्लेंडिंग करने के लिए जो मैं ब्रशेस यूज करती हूँ वो बेसिकली ये चार ब्रश हैं. सबसे पहला ब्रश जो मैं ब्लेंडिंग के लिए यूज करती हूँ ये बिगेस्ट फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है एंड दिस वन इज बाय सिग्मा. ये सिग्मा का E4 टेपर्ड ब्रश है. गाइज ये वन ऑफ द बेस्ट ब्लेंडिंग ब्रश है आउट देयर इन मार्केट जो अभी तक मैंने ट्राई किया है एंड थोड़ा एक्सपेंसिव है. आई थिंक आई गॉट दिस फॉर 1500 या 1300 रुपीज एंड बट ये वर्थ मतलब इन्वेस्टमेंट है. एंड अगर आप अपना ट्रांजिशन शेड इससे अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ब्यूटिफुली ये ब्लेंड कर देता है, कोई भी हार्श लाइन अपीयर नहीं होता है. एंड ये ब्रश है सिग्मा का E40 ब्लेंडिंग ब्रश. ये बिग फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश है, इससे आप अपने ट्रांजिशन शेड को अप्लाई कर सकते हैं. आप अपने सारे शेड को मिक्स भी कर सकते हैं, प्रिसाइज एप्लीकेशन नहीं होगा गाइज इससे. सो गाइज नेक्स्ट ब्लेंडिंग ब्रश जो मैं यूज करती हूँ बेसिकली एक प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश है, स्मॉलर ब्लेंडिंग ब्रश है, फ्लफी है बट प्रिसाइज है. एंड ये मैंने मिनीसो से लिया था. ये बेसिकली आप अपने आउटर कॉर्नर पे यू नो आई शेडो अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं, अपनी क्रीज में अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं. बेसिकली प्रिसाइज एप्लीकेशन के लिए ये यूज होता है एंड ये अगेन मिनीसो के ब्रश सेट में मुझे मिला था. सो इसके अलावा मैं एक और प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश यूज करती हूँ, वो ये स्मॉलर वेरी प्रिसाइज ब्लेंडिंग ब्रश है. वो बहुत प्रिसाइज एरिया में कोई भी कलर अप्लाई करना है एंड अच्छे से ब्लेंड करना आप इस ब्रश को यूज कर सकते हैं. बेसिकली ये मैंने बूजी ब्यूटी का प्रिसाइज आई ब्रश सेट खरीदा था, उसमें मुझे ये ब्लेंडिंग ब्रश मिला था. तो ये बाय बूजी ब्यूटी है इन नंबर 215 एंड दिस इज फॉर प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ आई शेडो. एंड देन लास्ट जो ब्लेंडिंग ब्रश आप यूज कर सकते हैं ये बेसिकली एक टेपर्ड फ्लैट ब्लेंडिंग ब्रश है. जब भी आप कोई आई शेडो लुक क्रिएट करते हो जिसमें आपको यू नो कलर को अपने आईलिड में पैक करना होता है तो बेसिकली आप ये आई शेडो ब्रश यूज करते हैं. फ्लफी है बट टेपर्ड है एंड यू नो फ्लैट काइंड ऑफ ब्लेंडिंग ब्रश है. ये अगेन मुझे मिनीसो के यू नो ब्रश सेट में मिला था.
देन इसके बाद जो आप यू नो आई शेडो में आपको ब्रश यूज आता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट ब्रश होता है, वो ये स्मोकी पेंसिल ब्रश होता है। ये बेसिकली मैंने प्रो आर्ट का लिया था एंड दिस इज इन नंबर P29, आई थिंक P29। ये प्रो आर्टे का P29 पेंसिल स्मोकी स्मजिंग ब्रश है। जब भी आप लाइक यू नो स्मोकी आई क्रिएट करना है या आपको कोई भी यू नो स्मजिंग करना है आई शेडो का या यू नो जेल लाइनर लगा रहे हैं, तो आप इस प्रिसाइज पेंसिल ब्रश को यूज कर सकते हैं। एंड अगर आप कट क्रीज क्रिएट कर रहे हैं, यू नो डबल कट क्रीज क्रिएट करें, आपको अपने क्रीज में यू नो ब्लेंड करना है प्रिसाइजली, तो आप ये पेंसिल ब्रश बेसिकली यूज कर सकते हैं। एंड देन अगेन ये बाय प्रो आर्टे है P29 एंड ये मैंने नायका से खरीदा था गाइस। इसके बाद जो अनदर इम्पॉर्टेंट आई ब्रश होता है बेसिकली आपके आई शेडो एप्लीकेशन में, वो एक एंगुलर यू नो आई लाइनर ब्रश होता है। ये वाला बेसिकली एक स्मॉलर आईलाइनर ब्रश है एंड दिस इज बाय पैक, ये इन नंबर 372 है, पैक 372 आईलाइनर ब्रश। ये स्मॉलर वन है एंड ये बिगर आईलाइनर ब्रश है। इनफैक्ट आप स्मॉलर आईलाइनर ब्रश यूज करके अपने क्रीज में लाइन क्रिएट कर सकते हैं, लाइक जब भी आप उस तरह का डबल कट क्रीज आई शेडो लुक क्रिएट कर रहे हैं। बेसिकली नेक्स्ट जो आई शेडो ब्रश आपको इम्पॉर्टेंट होता है अपने आई शेडो लुक क्रिएट करने में, वो होता है कट क्रीज ब्रश। एंड आई शेडो ब्रश यूज करती हूँ, पहला है बूजी ब्यूटी का B106 ब्रश। ये बेसिकली कट क्रीज क्रिएट करने के लिए होता है एंड अपने कंसीलर को अपने आईलिड पे डैप करने के लिए होता है। एंड अनदर कट क्रीज ब्रश जो मैं यूज करती हूँ वो है प्रो आर्टे PF01 ब्रश। यदि आप ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करते हैं या आपको ग्लिटर पिगमेंट्स अपने आईलिड पे अप्लाई करना है, तो आप इस तरह का फ्लैट ब्रश यूज करना चाहिए, स्मॉलर फ्लैट ब्रश, बहुत डेंसली पैक्ड है। पहला जो ब्रश है ये अगेन बूजी ब्यूटी के प्रिसीजन आई सेट में मिला था मुझे एंड ये है B214। ये बेसिकली आप कोई भी आई शेडो को पिगमेंट को पैक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं या आई यू नो ग्लिटर आई शेडो पैक करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। एंड अगेन ये मुझे मिनीसो ब्रश सेट में मिला था। इसके बाद जो अनदर इम्पॉर्टेंट आई शेडो में ब्रश होता है वो होता है ये आई लाइनर ब्रश। बेसिकली ये बहुत ही स्मॉल प्रिसीजन आई लाइनर लाइक ग्राफिक आई लाइनर अप्लाई करने के लिए यूज होता है। ये ब्रश मैंने पैक कर लिया है 351 ब्रश एंड ये मैंने नायका से खरीदा था। जब भी आपको ग्राफिक आईलाइनर क्रिएट करना है या यू नो कोई भी विंग्ड आईलाइनर क्रिएट करना, आप इस आईलाइनर ब्रश से यूज कर सकते हैं। जो आखिरी ब्रश मैं यूज करती हूँ बेसिकली वो हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए यूज करती हूँ एंड ये दो ब्रश मैं यूज करती हूँ हाइलाइटर अप्लाई करने के लिए। ये मैंने Sheen.com से लिया था, कोई ब्रांड का नहीं है एंड ये इस तरह का यू नो बिगर यू नो ब्लेंडिंग ब्रश काइंड ऑफ है एंड बहुत ही प्रिसाइज एप्लीकेशन इससे हो जाता है। आप अपने हाईलाइटर को अपने हाई पॉइंट ऑफ द चीक्स ब्रिज ऑफ नोज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड अगर आपको यू नो इस तरह का लार्ज हाईलाइटर ब्रश यूज करना अच्छा लगता है, तो आप इसको फैन ब्रश की तरह भी अपने हाईलाइटर को लगाने में यूज कर सकते हैं। ये सारे ब्रशेस मैं बेसिकली यूज करती हूँ अपने यू नो मेकअप ट्यूटोरियल में, आप लोग ने देखा ही होगा एंड आई होप आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा कि किस चीज के लिए कौन सा ब्रश यूज करना है। एंड यस गाइस, अगर आप लोग बिगनर है तो जरूरी नहीं कि आप लोग को ये सारा ब्रश खरीदना है, आप बेसिक ब्रश खरीद सकते हैं, जैसे कि एक फाउंडेशन ब्रश ले लीजिए, एक पाउडर ब्रश ले लीजिए जिसको आप ब्लश ब्रश की तरह यूज कर सकते हैं, एक ब्लेंडिंग ब्रश ले लीजिए, एक आईलाइनर ब्रश ले लीजिए, तो उससे आप अपना यू नो नॉर्मल आई शेडो अप्लाई कर सकते हैं, उसी आई शेडो ब्रश से आप अपना हाइलाइटर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो या इन मल्टीपल वेज आप इन ब्रशेस को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं हर एक चीज के लिए, हर एक प्रोडक्ट एप्लीकेशन के लिए आपके पास अलग अलग ब्रश हो। सो दैट्स इट गाइज, आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होगा, अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कौन सा ब्रश किस चीज के लिए यूज करना है। एंड मैं सारे ब्रश के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि और कौन से टॉपिक पे आप लोग वीडियोस देखना पसंद करेंगे एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइज।